हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एक पहले लैब टेस्ट के बारे में जो है डायमेंशन टेस्ट ऑफ द ब्रिक्स। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि ब्रिक्स की यूनिफॉर्मिटी किस तरह की है। इसको चेक करने के लिए हम सिंपल एक फ्लैट सरफेस पे 20 पीसेस ऑफ ब्रिक्स लेते हैं और उन पे फॉलोइंग टेस्ट करते हैं जो हम आगे देखेंगे। उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो हम चेक करते हैं, और ये हम करते हैं इन अकॉर्डेंस विद आईएस कोड नंबर 1077/1992 के क्लॉज 6.2.1 के हिसाब से। तो अगर हमने कोई मॉड्यूलर ब्रिक ली है जिसकी साइज होती है 190 by 90 by 90 mm, तो हम उस केस में जो ब्रिक जो टॉलरेंस जो इसमें कोड में दी हुई है उसके हिसाब से उसको हम या तो ओके करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो ओके तब करेंगे जब जो भी टॉलरेंस है वो लिमिट के अंदर आएगी, तो ग्रुप हमारा लॉट है वो ओके हो जाएगा, पास हो जाएगा। और टॉलरेंस से अगर बाहर लिमिट में आता है, लिमिट से बाहर टॉलरेंस के आती है, तो उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि ये जो है अगर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो परपेंडिकुलर जो बनते हैं जॉइंट, परपेंडिकुलर जॉइंट जो बनते हैं ब्रिक्स के, वो हम इस तरह से डालते हैं वॉल में किसी स्ट्रक्चर में कि कोई वर्टिकल जॉइंट ना क्रिएट हो, उसको हम ब्रेक करते हैं हमेशा। और ये परपेंड का वेरिएशन जो है, अगर ब्रिक का साइज चेंज होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्रिक की जो वॉल बन रही है उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं रहेगी। तो देखिए क्या करेंगे, अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो 20 ईट को आप लेंथ वाइज जमा कर दीजिए। अगर मॉडुलर ब्रिक है जिसका 190 का लेंथ होता है, 190 mm का, उसको अगर 20 टाइम्स देखें तो वो होता है 3800। तो जो टोटल लेंथ निकलेगी ब्रिक्स की, जो हमने 20 ब्रिक्स लगाई हैं, उनकी लेंथ आने चाहिए 3800 प्लस माइनस 40 mm। तो केवल 40 mm का टॉलरेंस है, और अगर इसके बाहर आ तो आपको लॉट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप देखें कि उसकी विड्थ के बारे में बात करें, तो विड्थ होती है एक ब्रिक की 90 mm, तो 90 × 20 दैट इज 1800 mm। तो 1800 प्लस 20 mm प्लस माइनस 20 mm की लिमिट के साथ, वेरिएशन के साथ, अगर आपके विड्थ वाइज अरेंज करने पर आता है टोटल डिस्टेंस, तो देन इट इज ओके। सिमिलरली आप हाइट को चेक करेंगे, तो हाइट वाइज आप ब्रिक को अरेंज कर लेंगे 20 ग्राउंड में लिटा के, और हाइट क्योंकि एक मॉडुलर ब्रिक की अगर आपने 90 cm लिया है, तो 90 mm लिया है, तो 90 × 20 दैट इज 1800 यहाँ पर भी टोटल लेंथ आएगा हाइट का, और उसमें वेरिएशन प्लस माइनस 20 mm का परमिसिबल है। अगर पूरे लॉट में ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ब्रिक का लॉट जो है डायमेंशन टेस्ट को पास कर लेता है, और अगर नहीं कर पाता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसे कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था डायमेंशन टेस्ट ऑफ द ब्रिक्स, जो बहुत ही आसान और सिंपल है, और कभी जरूरत पड़े तो इसको हम फील्ड में भी कर सकते हैं।